हेलो गाइस, जो हाल ही में हादसा हुआ था करमंडल एक्सप्रेस के साथ वो इंटरलॉकिंग प्रॉब्लम के वजह से हुआ है। अभी तक ऑफिशियली कोई अपडेट नहीं आया है। जो मुझे जानकारी मिला है उसी का हिसाब से ये इंटरलॉकिंग प्रॉब्लम था, उसी वजह से यह हादसा हुआ है। करमंडल एक्सप्रेस का जो सिग्नल था वो ग्रीन था और बहानगर बाजार स्टेशन पे पहले से ही लूप लाइन पे एक मालगाड़ी खड़ा था। तो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस था उसका मैक्सिमम स्पीड पर आवर 130 KMPH स्पीड के चलने का उसका परमिशन था इसी रूट पे। तो वो लगभग 128 KMPH स्पीड में चल रहा था। तो वो मेन लाइन पे ना जाए बगैर वो लूप लाइन पे घुस गया और जाके जो मलगाड़ी खड़ा था उसी में टक्कर मार दिया। तो इसी के कारण लगभग 15 बगी करमंडल एक्सप्रेस का डिरेल हो गया था और जो करमंडल का इंजन था वो मलगाड़ी का ऊपर चढ़ गया है। इसी दौरान लगभग जो जनरल बगी था जो सामने वाला, उसी बगी में ज़्यादा इफेक्ट आया है। और इसी दौरान उसी पार से जो डाउन लाइन है उसी लाइन पे एशनपुर हावड़ा एक्सप्रेस जा रहा था और करीब करीब निकल ही गया था। तो जो करमंडल एक्सप्रेस का बोगी था वो क्रैश होकर दूसरा लाइन पे जाके गिर पड़ी। तो उसी दौरान उसी साइड से जा रहा था एशनपुर हावड़ा एक्सप्रेस, तो उसी में जाके लास्ट का जो 3 बोगी है उसमें जाके ये टक्कर मारी। तो उसी के लिए वो ट्रेन का जो 3 बोगी था वो डिरेल हो गया था। इसी कारण लगभग 280 के ऊपर लोगों का डेथ हुआ है और 1000 का करीब लोग अस्पताल में इलाज करा रहा है।